आओ, मुझे सुमित बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाने को लेके आ। भाई मैं कहाँ से लेके आऊँ? सुमित भैया तुम्हें लेके आना होगा, तुम यहाँ पर बड़े हो तो मतलब ये थोड़ी मैं यहाँ पर बड़ा हूँ तो मैं ही खाना लेके आऊंगा। सुमित भैया बहाने मत बनाओ, ठीक है ना? आओ। हाँ, पहले तो तूने लोन ले लेकर घर भी सेल कर दिया और फिर सब कुछ सेल कर दिया, अब क्या हमें भी बेचेगा? भाई सोच तो मैं ये रहा हूँ, चुप, तुझे सेल कर देता हूँ। अरे सुमित भैया ऐसे कैसे कर रहे हो, अपनी फैमिली है तो मैं क्या करूँ यार, मैं कहाँ से लेके आऊँ, पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे? फिर सुमित भैया चिल्ला क्यों रहे हो, पैसे कमाने बस की नहीं है तो चिल्ला क्यों रहे हो हमारे ऊपर? आओ। हाँ, एक तो हमको अपने साथ ले आया और खुद के पास पैसे नहीं है, घर और ऊपर से सेल कर दिया, हमने मना किया था ना। अच्छा, तू बहुत बोल रहा चुप के बच्चे। अरे सुमित भैया मैं भी बोलूंगा, क्या मेरा मुंह भी बंद करवाओगे? आओ। हाँ, सुनचैन को भी मारेगा क्या फिर? छोड़ो यार, तुम लोगों के मुंह लगना खराब है, सही में तुम बहुत बेकार हो। सुमित भैया बात सिंपल सी है, मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। आओ। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ तुझे छोड़कर। अरे यार एक काम करो, तुम नहीं मैं ही चला जाता हूँ छोड़कर। आओ, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ सुमित भैया मजाक कर रहे थे, बुरा मत मानो सुमित भैया, वापस आ जाओ, नहीं जाओ छोड़कर कहीं भी। नहीं भाई मैं तो जा रहा हूँ अब। सुमित भैया से टक्कर मार दी इसकी, ऐसी तैसी साले, बाहर निकल, तेरी ऐसी तैसी हमारे पास पहले खाने के लिए खाने नहीं है, ऊपर तू यहाँ पर टक्कर मार रहा टकले से, ये ले तेरी ऐसी तैसी। मेरे को इतना तेज गुस्सा आ रहा है, इसकी तो बैंड बजा दूंगा मैं। सुमित भैया लगता है तुमने उसे मार डाला। भाई पता नहीं बेहोश हुआ या मर गया। सुमित भैया गुस्से को कंट्रोल करो। भाई मैं कहां से कंट्रोल करूं, तुम लोग दिमाग खराब कर रहे हो, चल जल्दी इस गाड़ी के अंदर बैठे, इसको यहां से लेके जाना पड़ेगा। सुमित भैया गाड़ी को कहां लेके जाओगे? अबे यार इस बंदे को मैंने गुस्से गुस्से में पेल तो दिया, इसकी गाड़ी बेच आते, चल। सुमित भैया गाड़ी बेच कर क्या करोगे? अबे यार गाड़ी को सेल कर देगी, अपने पास रख ले। सुमित भैया अपने पास रखने के लिए जिगाते है नहीं, पुलिस आएगी तो चेक करने पकड़े जाएंगे। एक काम करो इसको सेल कर दो, कुछ रुपए आएंगे। सही कह रहा है, चलो गाइस यार इस गाड़ी को सेल करने चलता हूँ, कुछ तो पैसे आएंगे मेरे पास। तो चलो गाइस यार तुम्हारा भाई जा रहा है इस गाड़ी को सेल करने के लिए। यहाँ पर असल में अंडरग्राउंड कुछ बंदे रहते हैं, वो पक्का इस गाड़ी को खरीद लेंगे, चोरी गाड़ियां खरीदते हैं ना, आप लोगों को पता होगा ना अंडरवर्ल्ड में बंदे रहते हैं यार, वो कुछ पुरानी गाड़ियां वो खरीद लेते हैं, सेकंड हैंड गाड़ियों को, तो उनको बेच दूंगा जाकर मैं। तो गाइस यार यहां पर एक डीलर है, वो गाड़ियां खरीदता है, बस पता नहीं उसका घर कौन सा है। सुमित भैया यहां पर हर कोई डीलर है, तुझे कैसे पता? सुमित भैया मैं भी पूरी जानकारी रखता हूं, इसके पास रोक लो ये खरीद लेगा। अच्छा यार इस बंदे का नाम भूल गया मैं, सुमित भैया छोड़ो ना। अरे हां भैया क्या काम है तुमको? भाई मेरे को ये गाड़ी बेचनी है। चोरी की है क्या? हाँ भाई चोरी की है। चोरी की यार मैं थोड़े पैसे कम देता हूँ चोरी की गाड़ी है की। अरे यार कितने देगा? गाड़ी वैसे दिख तो बहुत ज्यादा पुरानी रही है पर ठीक, अच्छी कंडीशन में, चुराई ठीक ठाक है तुम्हें, $2,000। क्या भाई पागल है क्या, $2,000? $2,000 में कौन सी गाड़ी आती है? भाई मेरा भी काफी काम होगा यार, रिक्स इन गाड़ियों के अंदर, चोरी की है, पुलिस हमें पकड़ लेगी तो। सही कह रहा है यार, चलो $2,000 चल छोड़, तुम्हें को $4,000 दे दे, डील पक्की। चलो ठीक है तुम्हारी ना मेरी $3,000। भाई तेरी है अब ये। अरे लो लो पकड़ो, चलो यहाँ से जल्दी सबने, और किसी को बेको जाकर चोरी की गाड़ी। ठीक है यार काम कर, मेरे को $3,000 दे दे। सुमित भैया कितने मिले? 3,000। सुमित भैया 3,000 में क्या होगा, अबे 2-3 दिन खर्चा तो चलेगा आना। सुमित भैया यार तुम भी अजीब आदमी हो। अजीब आदमी क्या यार, चल थोड़ा बहुत खाना खरीद के लाता हूँ, एक दो हफ्ते निकल जाएंगे $3,000 में, थोड़े कम काम कर लेंगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी, थोड़ा कम खा लेंगे ना। मुझे कोई बंदा ढूंढना होगा जो मेरे लिए काम कर सके, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके लिए अपना काम ढूंढू। सुमित भैया मैं बता रहा हूँ और गाड़ियाँ चुराते हैं, तुमने एक गाड़ी तो काफी आसानी से चुरा ली। अबे सिंचन यार गाड़ी चुराने में रिस्क है यार, तुझे पता, और पैसे भी नहीं मिलते गाड़ी चुराने के ज्यादा। हाँ सुमित भैया $3,000 बहुत कम है। ये क्या चोरी वोरी की बात कर रहा है, लगता है यहाँ पर ये मेरे काम का बंदा है, देखता हूँ कहाँ पर ये बंदा। अरे तुम कहाँ पर बात कर रहे हो? हेलो हेलो, सुमित भैया कोई ऊपर खड़ा है शायद अपने। भाई लगता है किसी ने अपनी बात सुन ली, सुमित भैया पुलिस वाला तो नहीं होगा ना? अरे भगो मत यार, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, रुको अभी आके तुमसे बात करता हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, 2 मिनट रुको। सुमित भैया मेरे को पुलिस लग रही है। सिंचन भाग नहीं सकते यहाँ पर, चाहे पुलिस हो या कोई हो, मैं क्या ही करूँ। सुमित भैया देख लेते कौन है। हाँ भाई साहब बोलो कौन हो तुम? मेरे पास देखो तुम दोनों के लिए अच्छा सा काम है। क्या काम है? क्या तुम लोग गाड़ियाँ चुराने में एक्सपर्ट हो? अरे एक्सपर्ट तो नहीं है पर चुरा लेंगे। तो ठीक है, अगर तुम मेरे लिए गाड़ी चुरा के लाते हो तो मैं तुम्हें इस गरीबी से बाहर कर दूंगा, मैं तुम्हें कुछ रुपये दे रहा हूँ, उससे तुम लोग कपड़े खरीद लेना, ठीक है? भाई सबसे पहले ये बता गाड़ी किसकी चुरानी है? अरे तुम बेबी को तो जानते ही हो ना। अरे सुमित भैया वही सबसे बड़ा घर है जिसका? हाँ हाँ भाई, उसके पास एक खतरनाक गाड़ी है गोल्ड की, वो गाड़ी मुझे किसी भी हाल में ला दो, मैं तुम्हें गरीबी रेखा से ऊपर ले आऊंगा, तुम्हें मस्त मालोमाल कर दूंगा। ओके कितने पैसे दिए तुमने मुझे? मैंने तुम्हें कम से कम $10,000 दिए, जिससे तुम अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेना और तुम
मेरा प्लान समझो, तुम उसके दोस्त बन के जाना ठीक है, और उसके बाद उसके घर में घुसने के बाद उसके सारे बॉडीगार्ड्स को मार के आ जाना गाड़ी लेकर, और मैं तुम्हें अलग से बंदूक भी दे दूंगा। ठीक है भाई साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, कुछ करना ही होगा, नहीं कर पाए तो उसके बॉडीगार्ड्स तुम्हें मार देंगे। समित भैया, इसमें तो बहुत ज्यादा रिक्स है। रिक्स है तो जभी तो एक से भाई। अरे समित भैया, क्या करने वाले हो? देख लेना, चलो मैं चलता हूँ, और वहाँ गली नंबर 17 में आ जाना अगर तुमसे काम कंप्लीट हो जाए तो। मैं चलता हूँ यहाँ से, बाय। अरे अरे भाई, रुक 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 रुक। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, बोलो ना। अरे यार भाई, मतलब अगर हम मर गए तो? भाई मर गया तो तुम्हारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसमें मैं क्या करूंगा। अरे काम करा मैं भाई, $20,000 दे दे। चलो ठीक है, मैं $20,000 देता हूँ तुम लोगों को, पर काम कंप्लीट होना चाहिए। ओके भाई साहब, काम हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट, $20,000, और मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ मेरी गाड़ी, पर इसको वापस लेके जरूर आ जाना। अरे भाई साहब, ये गाड़ी वापस नहीं आएगी क्योंकि बेबी की गाड़ी जो चुराने जा रहा हूँ मैं तो। चलो गाइस यार, सबसे पहले जाके मुझे कटिंग करवानी होगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फकीर गरीब लग रहा हूँ ना, और कुछ अच्छे से कपड़े पहनने पड़ेंगे यार। समित भैया, कहाँ पर कटवाओगे बाल? अब भाई बाल कटवा लेंगे, सबसे पहले कपड़े खरीदते हैं। तुम लोगों को मैं बताता हूँ कपड़े क्यों खरीदने जरूरी है, क्योंकि यार अगर मैं बेबी का दोस्त बन के जाऊंगा, बेबी का दोस्त कोई गरीब तो होगा नहीं, काफी अच्छे बंदे होंगे भाई, पैसे वाले, तो भाई अच्छे कपड़े पहनने भी तो जरूरी है। तो चलो गाइस यार, जाके कपड़े पहनता हूँ। अरे सर, आपके ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे? रुक जा, चेक कर रहा हूँ मैडम जी। ये ब्लैक पैंट पहन लेता हूँ, सस्ती सी, और एक बढ़िया सी, बढ़िया लग्जरी वाली कोई दिखने वाली कुछ पहन लेता हूँ, अच्छा सा कुछ, क्या सस्ता सा। चलो गाइस यार, मैंने मात्र $2,000 में अच्छे से कपड़े खरीद लिए। अरे सर, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे, पर आपके ऊपर और भी ज्यादा महंगे कपड़े अच्छे लगेंगे। मुझे पता है तुम अपने कपड़े कैसे बेचते हो, मेरे को यही कपड़े चाहिए थे बस। समित भाई, अब क्या, चल आज जल्दी से कटिंग करवा के आता हूँ, बढ़िया से मस्त गुड लुकिंग में जाना भाई, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि भाई जेंटलमैन हूं मैं, बिल्कुल ठीक है ना। समित भैया, वैसे हो नहीं तुम जेंटलमैन। तो गाइस यार, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस मिशन के अंदर सक्सेसफुल हो जाऊं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो सुमित भैया तुम ही जीतोगे, समित भैया तुम ही जीतोगे, लिख दो जल्दी से गाइस। ओके तो चलो गाइस यार, यहां पर कटिंग भी करवा लेता हूं। भाई ये वाली लॉस सेंटोस की सबसे सस्ती दुकान है, यहां पर जाके कटिंग बहुत इजीली हो जाती है। हेलो मैडम जी, आ जाओ कटिंग कर दो मेरी। बताइए सर, कैसे करवाओगे? रुक जाओ यार, सबसे पहले दिखाइए आपके पास कौन कौन सी कटिंग है। अरे सर, कौन सी बताइए? अरे बट सबसे सस्ती वाली ये वाली कर दो। चलो। अरे रुक जाइए सर, देखते हैं आपके ऊपर कैसे सूट करेगी, मुझे लगता नहीं ये अच्छी लगेगी। आपको थोड़ी महंगी कटिंग करवानी चाहिए, $300-$400 की। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे को $300-$400 की नहीं करवानी, बस यही सही है। अरे सर, दाढ़ी तो कटवा लीजिए, बहुत बुरी लग रही है आपके ऊपर। नहीं नहीं मैडम जी, नहीं समित भैया, अब दाढ़ी कटवा लो, बहुत बुरी लग रही है। अब हम भी इसके भी पैसे दूंगा क्या? मैं फिर कैसे काटोगे? अब एक छोटी सी ब्लेड लूंगा 2 रुपए की, और उससे पूरी दाढ़ी बगा मारूंगा। समित भैया मुंह वो कट जाएगा। अब मेरे को आदत है यार ब्लेड से काटने की, यहाँ पर $40 दूंगा, वहाँ 2 रुपए की ब्लेड से काम चल जाएगा। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से जल्दी सी। तो भाई साहब, फाइनली तुम्हारे भाई रेडी है, अब मेरे को थोड़ी इंग्लिश एक्सेंट में बात करना हो जैसे कोई अमीर आदमी हो। समित भैया प्यार से। गाइस यार चलो अंदर चलते हैं। अरे मैं असल में बेबी का दोस्त हूँ, साउथ अफ्रीका का। कहाँ के? साउथ अफ्रीका से। उसने मेरे को फोन करके बुलाया है, बोला है थोड़ी खतरनाक सी पार्टी है, उसके लिए मैं आया हूँ, थोड़ा पैसा भी खर्च करना है ना। अरे आप हमारे मालिक के दोस्त? हमारे मालिक का कोई दोस्त नहीं है। अरे यार मैं उसका दूर का दोस्त हूँ, इसलिए किसी को पता नहीं है मेरे बारे में। बेबी और हम काफी अच्छे बचपन के दोस्त, हम एक स्कूल में पढ़ते थे अंटार्कटिका में, तुम्हें क्या पता, तुम तो गरीब आदमी हो ना। अरे ठीक है सर, ठीक है, जाइए सर, आप अंदर जा सकते हैं। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम बहुत ज्यादा नोटी हो। अरे सर रहने दीजिए सर। नहीं नहीं, तुमने मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, मैं जाके शिकायत जरूर करूंगा, तुमने मुझे रोका है। हाँ चलो यहाँ से, गरीब कहीं के है, थर्ड क्लास लोग। चलो गाइस यार, मैंने इन लोगों को यहाँ पर पागल तो बना दिया। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर मेरे को कौन सी गाड़ी चुरानी है? तो गाइस यार मुझे लग रहा है जो ये बीच में गोल्ड की गाड़ी है ये चुरानी मेरे को। हे वाओ, क्या ही गाड़ी है मेरे दोस्त बेबी के पास। ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था, ये पर देखता हूँ। अरे सर आप आगे नहीं जा सकते। अरे क्यों, मैं बेबी का दोस्त हूँ। सर ने मना किया है, कोई भी इन गाड़ियों के पास नहीं जा सकता। अरे मैं उसका काफी अच्छा दोस्त हूँ। अरे नहीं सर, आप नहीं जा सकते इनके पास, अगर बेबी सर खुद आएंगे तो ही हम आपको जाने देंगे। अरे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बेबी को आने तो दो। समित भैया अभी क्या, इन्होंने तो मना कर दिया। गाइस यार ये तो भाई प्लान फ्लॉप होता दिख रहा है, मेरे को अब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके अरे पागल हो क्या, देख के चल लो।
चलो गाइस यार अब मेरे को गन ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यार ये लोग मेरे को गाड़ी के पास तो जाने नहीं देने वाले। तो गाइस यार अब अपनी गोलियों से बात करेंगे हम लोग, अभी चाहता हूँ इनकी ऐसी तैसी। हे तुम लोग ये लो, तुम लोगों की ऐसी तैसी सीधा वन हेड मारूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ले बा 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 बा, ए तू भी ले। गाइस यार यहाँ पर मैंने सारे के सारे बॉडीगार्ड्स को, तू कहाँ जा रही आंटी? ओके चलो वो खड़े वहां पर, उनको भी मारता हूँ। अबे मेरे ऊपर गोली चला रहे, इसकी ऐसी तैसी। समित भैया क्या कर रहे हो? अबे कवर में आने थे, गोलियां चल रही फटाफट। समित भैया तुम मारो ना उसको एक बार में। ये ले तेरी ऐसी तैसी गन रिलोड हो गई। अरे भाई साहब वहां पर कितनी दूर दूर बंदे खड़े हैं। ओ भाई बच गया भाई, बार बार भाई गोली एक नहीं टिकी तुम्हारे भाई को। अरे दो टिक गई समित भैया छाती पर। अबे यार छाती पर नहीं कमर पर, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। चल आ जा जल्दी से निकलते हैं यहां से। ओ गाइस यार कितने सारे बॉडीगार्ड यार, पता नहीं थोड़ी देर पहले तो इतने सारे नहीं थे, कम थे। समित भैया तुम गाड़ी के अंदर बैठो जल्दी से। ओके तो चलो गाइस यार ये पुरानी गाड़ी तो इसको स्टार्ट करने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। चल गाड़ी भी स्टार्ट हो गई सिंचन। चलो समित भैया स्पीड में निकालो यहां से। तो गाइस यार मैंने उस बंदे की गाड़ी चुरा ली है, बेबी की। ओके लेट्स गो गाइस, लेके चलते और भाई उस बंदे को देते जो हमको गरीब से अमीर बनाने वाला है। अरे समित भैया कौन सी गली थी? भाई भूल गया मैं तो कौन सी गली थी। समित भैया गली नंबर 17 था शायद। हां मिल जाएगी चलो। तो गाइस यार फाइनली तुम्हारे भाई ने गोल्ड कार चुरा ली है और तुम्हारा भाई वापस आ चुका, क्योंकि गली में कोई मिला ही नहीं मेरे को। अरे शाबाश तुम तो कमाल के हो यार। अरे मैं हुई कमाल का चोरी में तो। अरे तुमने काम मस्त किया। अब भाई साहब गली में तो मिला ही नहीं तू। अरे वहाँ पर थोड़ी पुलिस थी ना, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं मिला। तुमने काम अच्छा किया है ब्रो। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? कैसा काम? तुम मेरे लिए गाड़ी चुराओ और मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। वो तो मैं सोचूंगा यार। गाइस यार बताना मुझे, मुझे इस आदमी के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? समित भाई यार पूछ लो एक बार, देख लेना मुनाफे का फायदा है बहुत ज्यादा। वो तो यार मेरे दोस्त बताएंगे। समित भाई ये क्या? ओ भाई मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, देखता हूँ कितने आए यार, जाकर जल्दी सी मनी एंड सर्विस। अरे मोटा पैसा है ब्रो, मोटा पैसा है। अबे वो तो चेक तो करने दे सबसे पहले। यार कहाँ गया यार ये अकाउंट मेरा? ओके तो गाइस यार उरे इतने सारे पैसे। अरे मैंने बोला था ना यार इस धंधे में बहुत सारा प्रॉफिट है, और मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा भी दिया है क्योंकि तुम मुझे बंदे अच्छे लगे यार। शाबाश यार तुम कमाल के हो। ओके मैं सोचूंगा तेरे साथ काम करने के लिए, बताना जरूर। समित भैया क्या करना है? चल निकल यहाँ से जल्दी से, अपन ने अपना काम कर दिया, अब ये अपनी झंझट संभाले यार। पुलिस पकड़े यार इसको, कोई पकड़े, हम लोग निकलते हैं यहाँ से जल्दी सी। तो गाइस यार तुम्हारे भाई ने अपना पुराना घर वापस खरीद लिया। मेरे ऊपर लोन था कुछ 1.5-2 मिलियन का, मैंने एक बार में उसे क्लियर कर दिया और हमारा चोप भी वापस आ गया और उसी टट्टी भी। आओ खाऊंगा तो टट्टी भी करूंगा ना। और गाइस यार बताना क्या मुझे उस बंदे के साथ काम करना चाहिए गाड़ी चुराने में, नहीं करना चाहिए? तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज वीडियो क्योंकि अच्छी लगी, मेक श्योर टू लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हम मिलेंगे गेम प्ले में। जब तक के लिए सायोनारा। और हमारी गाड़ी वापस आ गई यार।